दोस्तों नमस्कार, आज आपको नई वीडियो के साथ आज हम छत पर आज लेंटर डलाई देखना, ये बिजली फिटिंग का काम चल रहा है और एक यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बनाया है उसकी भी हमने पाइप लगाई है देखना, ये 4 इंची वह 3 इंची पाइप है देखना। ढलाई का काम स्टार्ट हो चुका है। ढलाई के अंदर हम नन्ही ट्रैप और जो हमारे रेन वाटर पाइप हैं वो पाइप और एसी के पाइप सभी हमने एक बार लगा लिए हैं और अब इनके अंदर कट्टे लगाकर और लेंटर में हम छोड़ देंगे ताकि बाद में दिक्कत ना आए। कुछ पाइप तो लेंटर में ढलाई में दब जाएंगे और बाथरूम टॉयलेट का फर्श ऊंचा नहीं जाएगा। ढलाई के वक्त प्लम्बर को इसलिए रहना चाहिए कोई भी पॉइंट आउट ना हो और किसी भी नन्ही ट्रैप के अंदर मसाला न जाए। ढलाई का काम लेबर का होता है, इसलिए कोई पांव रख दे नन्ही ट्रैप टूट जाए तो हम उसी वक्त चेंज कर सकते हैं। इन चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जब तक ढलाई हो अपने पाइप के ऊपर मसाला अच्छी तरह से डाल लें और कट्टे लगा लें सभी पर, अच्छी तरह तार से बांध दें, कोई भी पॉइंट आउट ना हो। हमने देखना ये सेंटर करके 4 इंची वाल माउंटिंग सीट की एल्बो लगाई है और ये एक नन्ही ट्रैप जो हमने डक्ट में ओपन पाइप उतरेंगे उसके लिए एक बार पाइप हमने डक्ट में ओपन छोड़ दिए हैं देखना। ये इसके बाद हम सभी प्लास्टर हो जाएगा सभी मंजिल का, तब डक्ट में ये सभी पाइप ओपन उतरेंगे एसी के और पानी के और ड्रेनेज पाइप। हमें इन बातों को ध्यान में रखकर अच्छी तरह काम करना चाहिए। पाइप के ऊपर सॉल्वेंट लगाना, पाइप के अंदर कट्टा लगाना और सेटरिंग के साथ तार से पाइप को बांधना ताकि आउट ना हो। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिए ताकि आगे हमें कोई भी परेशानी ना हो। ये 4th मंजिल की ढलाई है। नन्ही ट्रैप सिंक के लिए लगा दी है और इसे भी हमने डक्ट में हमने ये भी छोड़ दी है और फीते के साथ नाप कर और इसका सेंटर करके हमने लगाई है। सेटरिंग के तार के साथ बांध ले ताकि मार दिया फटाफट जल्दी कर दे। पाइप के ऊपर देखना ढलाई हो चुकी है RCC। ऐसी छोटी छोटी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद।